हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस क्लासेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास टेंथ हिंदी की, जिसका सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर है और यहां पे मैं ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है। इसके अलावा सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो आप लोग का डाला जाएगा। उससे पहले आप लोग अगर हमारे नए चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाला जा चुका है, वहाँ पे आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, वो बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल का। अगला है बहादुर कितने वर्ष का था, तो 11-12 वर्ष का। बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने। अगला है परंपरा का मूल्यांकन गत की कौन सी विद्या है, तो निबंध है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। अगला हम लोग चलते रहेंगे आगे की तरफ। अगला है देवनागरी लिपि के कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो हिंदी। निम्न में से गुणाकार मूल्य की रचना कौन है, तो नागरी लिपि। अगला है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा। अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा था, तो छोटी बच्ची ने। अगला है सर विलियम जोन समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे, तो 1783 ईस्वी में। गिरधरलाल का बेटा कौन था, तो मदन। अगला है अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज की किस पर आधारित होना चाहिए, तो स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व यानी कि सभी पर ये आधारित होना चाहिए। अगला हम लोग आगे की तरफ आ गए, हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला जो सवाल आता है वो है यहाँ पर नाखून की बढ़ते हैं इस पाठ में कौन से दृष्टिकोण प्रकट होता है, तो यथार्थवादी। अगला है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। अगला है सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी, तो 5। अगला है गुरु नानक किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के। अगला है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रस खान की। अगला है सुजान सागर किसकी रचना है, तो रस खान की। आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे, तो हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में। अगला हिरोशिमा शीर्षक कविता किस काव्य के संकलित है, सदानीरा। अगला दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कौन है, तो मजदूर किसान। अगला निम्न में दिनकर की रचना कौन सी नहीं है, तो ग्राम्या। भारत माता कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ग्राम्या। अगला सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो 1900 ईस्वी में। निम्न में से कौन भारतेंदु युग का महत्वपूर्ण कवि थे, तो प्रेमघन। अगला बद्रीनारायण चौधरी का उपनाम क्या था, तो प्रेमघन। अगला घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे है रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी, तो इसका आंसर आप लोग का ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। अगला दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए। प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था, तो दिनकर ने। अगला है मंगू किस कहानी का पात्र है, तो माँ। अगला है मंगू की बड़ी बहन कौन थी, तो कम्मू। अगला है मगम्मा की बहू कौन थी, तो नजम्मा। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में। अगला विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर हो जाएगा। दीपक ने भिखारी को पैसे दिए, इसमें कौन सा कारक होगा, तो संप्रदान। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो इम। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ है नीरव का संधि विच्छेद नहीं जो रब। अगला है जन्म मरम में कौन सा समास है, तो द्वंद्व। परविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है, तो विशेषण की। निम्न में से तत्सम कौन है, तो अग्नि। अगला है मधुर का विलोम क्या होगा, कटु। अगला है निम्न में कौन फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कपि हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो आशीर्वाद यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे की ओर हम लोग देखेंगे, तो अगला यहाँ पे है निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो कुछ हो जाएगा। मैं राम का भाई हूँ, इस वाक्य में सर्वनाम है मैं। मोहन घर पहुँच गया, इसमें पहुँच गया किस प्रकार का क्रिया है, तो पूर्वकालिक। अगला हम लोग देखेंगे लौह पुरुष में कौन सा समस्या है, तो कर्मधार्य। अगला बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपा। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस। अगला है निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो किसने क्या किसे सभी। अगला हम लोग देखेंगे, तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लाहौर में। अगला सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे, तो छायावादी। अगला है पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा, तो भारत माता को। अगला हम लोग देखेंगे प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा। अगला जितना झगड़ा होता है डैश बढ़ता है उम्र बढ़ती है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होता है और हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।